हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का सातवां दिन, सप्तमी, और आज चढ़ाई जाएगी माता जी को सिंगार। तो इसलिए मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ माता जी को सिंगार चढ़ाऊंगी। और हमारे यहाँ आज ही सप्तमी के दिन ही माता जी को सिंगार चढ़ाया जाता है, इसलिए मैं पूरी तरह से हो चुकी हूँ रेडी। पूजा के टाइम में मेरा यही लुक होता है, बस किचन के जाने के टाइम में मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी टाइम से थोड़ा सा शूट करती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आगे की चीज़ें। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है शुरू, दिखाती हूँ। ये है माता रानी को चढ़ने वाला सारा सिंगार और ये है फूल, ये देखिए। तो बस शुरू हो चुकी है हमारी पूजा, कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। कर रही हूँ प्रसाद कट, और यहाँ मैं प्रसाद कट करके सारे प्लेट्स में लगा रही थी। मतलब माता जी को अलग अलग जितने भी भगवान हैं सबको भोग लगाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और पूजा के वक्त थोड़ी सी शांति रखनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे ही सारे कर रही हूँ। और यहाँ मेरी देखिए माता रानी पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं। देखिए ये है हमारी माता रानी का दरबार कह सकते हैं, और मेरे मंदिर का तो छोटा सा दरबार ही है ना। ये है हमारे घर का भव्य दरबार। तो यहाँ हम वो गाना गा सकते हैं कि प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तो ये तो हमारा द्वार। तो यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है डन, अब मैं करूँगी चेंज और हम खाएंगे प्रसाद और उसके बाद देखते हैं कि चीज़ें क्या क्या होती हैं। आज थोड़ा सा रिलैक्स है क्योंकि आज है संडे और हमारे जनाब उठ चुके हैं और शुरू हो चुकी है इनकी मस्ती। बेटा नहीं कर दे तभी फ्री। माता रानी का सिंगार चढ़ चुका है, अब हम भी अपना सिंगार कर सकते हैं। हमारे यहाँ नवरात्रि में जब तक माता का सिंगार नहीं चढ़ता है तब तक हम लोग सिंगार नहीं करते हैं। सिंगार इट मीन्स की मेकअप, और एक औरत के लिए चूड़ी और सिंदूर और बिंदी तो कंपलसरी है, तो इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज सिंगार हो गया है माता रानी का डन और आज से हो चुकी है हम लोगों के लिए भी शुरुआत तो फिर देखते हैं चीज़ें कैसे कैसे मैनेज होती हैं। जो चीज़ हुआ उसे रिकॉर्ड करूँगी अगर पॉसिबल हो पाया तो, और क्या ही एक ही चीज रोज रोज रिकॉर्ड करना किचन का। तो आज है सप्तमी, तो देखते हैं अगर कहीं बाहर जाना हुआ तो इच्छा तो नहीं होती है क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है भीड़ भाड़ में, बट फिर भी कुछ तो जरूर होगा, देखते हैं अगर जाना हुआ तो। ओके, तो फाइनली हम लोग यहाँ रेडी हो चुके हैं बस निकलने के लिए। थोड़ा सा कहीं घूमेंगे आसपास में ही, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाएंगे, थोड़ी देर के लिए जाएंगे क्योंकि वेद को थोड़ा घुमाना है, उसके बाद तुरंत हम लोग चले आएंगे। तो देखते हैं। तो जनाब मेरे रेडी हो चुके हैं घूमने जाने के लिए, काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, इन्हें पता चल जाता है कि बस घूमने जाना है, जैसे ही कपड़ा पहने इन्हें पता चल जाता है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, स्माइल देखें, ये होती है बाहर जाने की खुशी। बच्चों में कुछ पता नहीं है, भी नहीं, कुछ पता नहीं होता है, बट इतना तो पता है कि हम घूमने जा रहे हैं। देखिए खुशी, तो एकदम एक्साइटेड है। और मैं यहाँ लॉक लगा कर हो चुकी हूँ रेडी, और ये मेरा एक्साइटमेंट लेवल लहराते हुए चाबी को ये देखिए। और यहाँ पे जनाब अपनी मस्ती में फटफटिया को चेक करते हुए कि मेरी फटफटिया सही है या नहीं, इन्हें तो बस गाड़ी देखनी है तो गाड़ी में ही लगी रही है। हम अपनी बस कर रहे हैं और यहाँ हम लोग निकल चुके। और यहाँ हम नज़ारा लेते हुए पहुँच रहे हैं धीरे धीरे अपनी जगह पे जहाँ हमें जाना है। और ये रहा हमारा प्यारा सा यूको पार्क, जहाँ हम पार्क में लेंगे थोड़ा सा रेस्ट पार्क के।
ये रही हमारी राजधानी वाटिका। देखिए बाहर से ये कैसा दिखता है। और यहाँ और मैं यहाँ पे ले रही हूँ टिकट। और ये रही हमारी टिकट खिड़की। ये हमारा टिकट काउंटर के ऊपर टिकट के रेट लगे हुए हैं, आप देख सकते हो कौन से बच्चे को कितने लगते हैं, कितने लोगों के लिए कितने लगते हैं, फैमिली टिकट क्या है, सब कुछ यहाँ लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे सब कुछ देखकर टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं ली दो टिकट और ये मैं टिकट अपना ले चुकी हूँ। और उसके बाद हम मारेंगे अंदर एंट्री और घूमेंगे पार्क का हर एक कोना, देखते हैं कितना घूम सकते हैं। तो यहाँ जनाब एज यूजुअल आपने कारनामे दिखाते हुए, देखिए ये क्या करेंगे, इनको बस सड़क पे ही रहना है, अंदर नहीं जाना है। यहाँ देखिए गार्ड भैया के साथ क्या करेंगे, देखिए बार बार इसे बाहर ही जाना था क्योंकि इसे सड़क पे दिख रही थी गाड़ियाँ आते जाते। और यहाँ जनाब अंदर आए तो इन्हें दिख गया गार्ड भैया का डंडा। अब इनको चाहिए था गार्ड भैया का डंडा, अब बार बार वो वहीं जा रहा था। अब वो लोग भी इसके साथ मस्ती कर रहे थे, ये देखिए ऐसे करके चल रहा है, दिखा रहा था उनको कि वो ऐसे करके चल रहे हैं। देखिए अब जनाब को बस बाहर ही जाना था। बच्चे भी ना अपने मस्ती में ही मस्त रहते हैं। देखिए तो ये है पटना का यूको पार्क, राजधानी वाटिका, और मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है ना, खूबसूरत। अभी दिखाऊंगी, ये देखिए है ना। और ये है हमारे जनाब फुल ऑन मस्ती में है, देखिए वेद। बहुत खूबसूरत और काफ़ी बड़ा पार्क है जिसे घूमने में कम से कम 2 घंटे तो आराम से लगेंगे, और आप अगर आपको चीज़ों को अच्छे से जाननी है तो। ये देखिए इस पार्क में पूरी तरह से हरियाली का ध्यान रखा गया है, एक्चुअली सभी पार्क में होते हैं बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। और इस पार्क में हर एक सेक्शन को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। इस पार्क में बच्चों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है जहाँ उनके लिए झूले हैं। और ये मेरे जनाब को देखिए, इनको झूले से कोई मतलब नहीं है, बस ये यहाँ पे आए घास साफ करने के लिए।
मुझे अच्छा भी लग रहा है, चलो कम से कम कुछ तो सीख रहा है मम्मा पापा से। इस पार्क में घूमने के लिए 1 घंटे काफ़ी नहीं है, कम से कम आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे तभी आप हर चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। और देखिए और यहाँ देखिए, हमें काफ़ी टाइम हो गया था पार्क में और हमें संध्या आरती भी करनी थी, इसलिए हम वहाँ से निकले फटाफट। और ये है शाम का नज़ारा बाहर का, और इसके बाद हम, और ये है यहाँ का पार्किंग एरिया जहाँ आप अपने बाइक या कार जो भी वो पार्क कर सकते। और यहाँ हम फाइनली निकल गए घर के लिए, क्योंकि देखिए काफ़ी शाम हो चुकी थी और हमें बहुत हड़बड़ी थी क्योंकि हमें मंदिर भी जाना था, तो यहाँ से जल्दी से निकले हम। और यहाँ जाने के बाद मैं घर जाने के बाद तुरंत नहा कर निकली मंदिर के लिए, घर में आरती करने के बाद। और यहाँ बहुत मस्त मस्त गाने बज रहे थे, इसीलिए मुझे म्यूट करना पड़ा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। और वो बहुत मस्ती में झूम, और यहाँ मंदिर का नज़ारा, ये देखिए प्रसाद यहाँ पे मिल रहा है। नवरात्रि में 9 दिन यहाँ हमेशा गाने इतने मस्त मस्त बज रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था कि झूम जाओ, बात ही कुछ अलग होती है। और ये देखिए माता रानी का मंदिर, तो बस माता रानी के दर्शन के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग के एंडिंग। बस अपने लाइफ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर एक पल को एंजॉय कीजिए। जय माता।